हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार राहुल जी कस्वां, क्षेत्रीय विधायक अमित चाचाण, प्रधान जी सोन जी और हमारे हरियाणा से दो नेता जो हमारे बीच पधारे, प्रहलाद सिंह जी गिल्लाखेड़ा और हमारे बीच में भरत सिंह जी बेनीवाल, दोनों भी पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे, इनका भी राजस्थान की धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके गांव के सरपंच भाई इंद्रपाल गोदारा और विभिन्न गांव के सरपंच साथी, हमारे फेफड़ा के सरपंच साथी शिवीर जी जानी। साथियों, लड़ी लड़ी जी की बात है, बाह है लोकसभा के चुनाव में मैं क्यों आ रहा हूं राहुल कस्वां को वोट मांगने, बड़ी बात तो आए वो वोट मांगने की जरूरत की बात कादर पड़ गई कि हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस बने हुए। राहुल कस्वां सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, ये इंडिया अलायंस के प्रत्याशी, इंडिया अलायंस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, आरएलपी, आरजेडी और ममता बनर्जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत देश की विभिन्न पार्टियां हैं जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुई। अब तो आगे देश लेवल की बात, और अब जो की अपनी बात, हम जो की बात कही जब आ है तो शाम लो जो पिंपड़ और पेंडो दिखे नहीं, ये पेटे पर को जो जाटो राज हो भी राज ने छोलन खातर सगली पार्टियां एकजुट हुई, तो जाटो राज क्यों आयो माड़ो हुआ राज हिसाब सिर्फ रेणु ज्यादा तकड़ो राज बनेडो घातक हुए, राज हिसाब सिर को सुधरा बोलो तकड़ो बने भी कोई कारण हुआ है। काज राहुल कस्वां किसी पार्टी में प्रत्याशी होना चाहिए, आज किसी पार्टी में प्रत्याशी, या से देवेंद्र जादड़िया को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार लेकर के आई है, वो नौजवान खेल में अच्छा खिलाड़ी है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका काम यह था कि वो देश के खिलाड़ियों के लिए कोई और अच्छा काम करते। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे खेल के बोर्ड होते हैं, उन बोर्ड का चेयरमैन बना देते जिसमें खेल में आगे जाते, लेकिन मोदी जी ने क्या काम किया, अगर राज तो जड़ो गए पान लगे बेचती आंख मीठा भी मिट्टी देर जी चल है, तो बात जो खिलाड़ी देश का अगर पदक लियानो चाहिए बिन तो कहो कि तू राजनीति मां, और जगह 35 साल जो राजनीति मां जम रहा जगह इलाके ने जाने बन कहो के थे वो काम छोड़कर खेत में लाग जाओ, बताओ को उल्टो काम देखिए घड़ी। अब आपने घरे एक छोरो डॉक्टर लागे घरे एक छोरो है खेती करने वालों भी खेतिया तो कह देगा काल तू जाके सीरा फाड़ी करी डोर हॉस्पिटल में जाके, और दूसरा कह देगा तू ऊट लेके खेत जाए बताओ कितो रूल काम हो जाए बिना मतलब के सीरा फाड़ी हो जाए, सीरा फाड़ी हो रही है राजस्थान में, राजस्थान में बहुत मोटी हो रही है, और थारू कोई ठंडी थोड़ी सीरा फाड़ी के बात की चलने लग रही है। अभी भजनलाल ने बेचारे ने मुख्यमंत्री बनाए हुए वो रात ने 12-1 बजे गिल्ला साहब खड़े होके खास करके देखे मुख्यमंत्री हूं को उससे तक टापक को आने लग रही बात में, दो बारी मोदी ने श्रद्धांजलि जो दे चुकी है तो बात सेटिंग को नहीं होने लग रही, क्योंकि कोई आदमी बेचारे को डोड़ को नहीं हो भी, पहले तो हरेड़ो सरपंच फिर हरेड़ो एमएलए फिर सेफ सीट पर चुनाव लड़ा दियो, मैं तो तकड़ो मानू भी कोरोना का टीका कम लगे डा नहीं, आजकल कोरोना का टीका बड़ा लगे डांग बाजा पटाखा हार्ट बहुत मजबूत हो गई आदमी को, ये दर्द कही मुख्यमंत्री बना दे आदमी हालते का जी कोई हाल थोड़ी है, बनी तो बैठी बिचारी वसुंधरा भी हाथ में पर्ची थी पर जो तेरी होली पर्ची देखियो जो नाम हो बदलना लो तो खट्टर आ गयो राजस्थान में खट्टर घोषित कर दियो, इस टाइप का खट्टर बनाना चाहे जगह जगह वो भी अपने इलाके में एक घोषित खट्टर है, और आई हालात रही तो आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश का न्यू रेड्डी आएगा चुनाव के एमआरएस रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे भी रेड्डी थारे मुंह का देखे करो थे रेड्डी के मुंह का नहीं देखे करोगा सब ऊपर होगा जब वो टांग करेगा वो कहता का निकाल दियो सिरमे आज की व्यवस्था है ये व्यवस्था ने बदल खातर इंडिया गठबंधन को निर्माण है, आज वो भाईडो आयडो बट जो गप ठोके गए वो चूरू, और मैं भी अखबार पढ़ने ला रही हूँ जो दैनिक संध्या अखबार आवे श्याम नाम भी मैं सुबह कहने लग रही हूँ सुबह मैं कहो वो कीन की आज चूरू जिले नातो जोड़ के जाती जगह भी जिले में जाए भी जिले से कहते मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, आज कह बहुत पुराना नाता रहा है लेकिन ये गप ठोक दी बहुत ठाडी कहे देवेंद्र जादड़िया बहुत गरीब माँ का बेटा था और आई है राहुल कस्वां ढाई गुणा आज देखो परचो भरीजे भी परचे की आए ढाई गुणा आई है राहुल कस्वां, और कह हुई है कि वो बहुत ही गरीब बेटो है, और मैं तो भलो मानू भी आज टाल दी बात क्यों कहता मेरी बात फूकी फिर वो आकार क्या मेरा चूरू से बहुत पुराना नाता रहा है, मेरे परदादा चूरू जिले में ऊंट चुराने के लिए आया करते, अब आज भी कई गवर्नमेंट टेकी राख दी आपने जिले की नहीं और कोई इसी गप ठोक दिया जो की सारे सेट बैठ दिया घर वास तुम आदमी तो आपनो ही है आपने ऊंट गिर बात कर ली बात कर अब भाई इनके पास तो नहीं तो मुद्दे हम तो मुद्दे के नाम पर वोट मांगने के लिए आए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल कस्वां इनके परिवार को किसी को ये वहम हो कि मोदी ही राहुल कस्वां को लेके आए, नहीं भाई इनके पिताजी जब चुनाव जीते थे जब मोदी हिंदुस्तान में अस्तित्व में नहीं था, गुजरात के एक छोटे से प्रदेश में नेता हुआ करता था लोकसभा का एमपी नहीं जीता था कभी, उसमें राम सिंह जी एमपी का चुनाव जीत गए,
मेरे तरीके से कई बार खपकेड़े खाए हुए हैं, कभी निर्दलीय, कभी पार्टी से, कभी किसी से, लेकिन हमेशा जनता के बीच रहने वाला परिवार है। और अगर कोई एक परिवार ये चाहे कि उसको घर बैठा दे तो ये तो राजनीति में अच्छी बात नहीं भाई। और अब आपके पास आएंगे, कोई मुद्दों की बात नहीं, फिर आपको भड़काने की प्रयास करेंगे। हम तो वोट इस बात से मांग रहे हैं, और हमारे पास जब समर्थन मांगने के लिए आए, पार्टी का समर्थन किया, तो हम तो खुले में खुला ये बात कही थी कि जिस बीमे के लिए हम सड़क पर लड़ते थे, आप देश की लोकसभा में बोलते थे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आवाज राज्य में आपकी थोड़ी थोड़ी दब करके रहती थी, वो आवाज और ज्यादा बुलंदी के साथ बोलेगी अगले 5 साल में इस मुद्दे पर आपके साथ। लेकिन बागन तो बीमो नहर खाड़ो नाड़ो पानी 332 क्यों सके नोल फिल्टर मांगे तो मामले को नहीं, बल्कि सीधो एक ही एजेंडा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। बताओ कितनी गेब इतनी बात करे, ऐ कुने भी राम ने लाड़ो उठे, कोई आदमी खड़े हो गया इसके मैं राम ने ले, राम तो अपन सगड़ा ले कोई दो राय के नाम पर वोट मांग लो। मैं गड़गे माँ तेजे जी की किरणी माता की माड़ा गाले फिर वोट दू तो कई बिट्टी बात को उसके। और जो राम के नाम पर मिंद्रा के नाम पर वोट मिले तो वो जिंद्रपाल भाई बैठे हुए किसे कोई गांव में एक तो और तकड़ा नेता होला पर गांव में बोली करा दे जो सरपंच मोटू मोटो मिंद्र बना सी कोई सरपंच रहती गम तो गणा ही गांव में दो दो चार चार मुक्कू बना देगा मिंद्रा की लेन लगा देगा तो मेहरबान है बड़ा बोरू सरपंच फिर नाड़ी खाड़ो ए गाँव के माँ सफाई अभियान बढ़िया काम स्कूल आतीजा जुर्ट खड़ा फिर मंदिर मंदिर बनाओ। राम हमारे घर के कच्चे मंदिर में भी आता है, बहुत प्यार से आता है, कोई बड़े मंदिरों में ज्यादा नहीं आता, और फिर भी बड़ा मंदिर अच्छी बात है, देश की लिए गौरव की बात है, लेकिन मंदिर के नाम से वोट मांगना बुरी बात है, और धर्म के नाम से वोट मांगना बुरी बात है, जाति के नाम से वोट मांगना बुरी बात है। हमारे कई भी उम्मीदवार के साथ पिछले कई दिनों से लगे हुए किसी भी गांव में जाकर के ये नहीं कहा कि मैं फलानी जाति का हूं वोट दो, और उनका उम्मीदवार गांव गांव में सफाई दे रहे कि हम भी फलानी जाती है, हम भी ढीगड़ी जाती है। हम तो पिछले चुनाव में भी कहते थे, आज भी कहते हैं, बिच्चू आदमी किसी जाति में उसके, भलो आदमी किसी जाति में उसके, आप अच्छा आदमी देख करके मतदान करें। अच्छे आदमी को आप अगर मतदान करोगे तो देश में इस टाइप का झूठा लोग को नहीं आती, देश बहुत खतरे में। अब क्या है सिर्फ आप कौन कह रहे मरो राज बना दियो, क्या अब की बार 400 पार गिरडी फेरू हो रहे देश के ऊपर 400 पार लगे तो के हो 400 पार का मतलब हिंदुस्तान के संविधान के साथ छेड़खानी करनी, देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। अभी बहुत झूठे आदमी हैं, इनके 2-3 एमपी ने शुरुआत कर दी है कहने की कि हम देश के संविधान को चेंज करना चाहते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर के इनके खिलाफ मजबूती के साथ लड़े। इतने बड़े झूठे हैं कि देश के लाल किले को बेच करके और लाल किले पर खड़े होकर के ये कहा कि मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, नीतू लाल किलो सरकार की उम्र। और वो एक गेड़ा और आ गयो सरकारी छोटा गुण देश में कुर्सी हुई, हाँ याद रखियो बात, एक आदमी सलटाओ फाइल ने, फाइल बोली तकड़ी मोटी बहुत जाडी होगी, और थालो पिंपल का तो नाका नाका फांग डाल रही है, कई कई गवाम बहुत को सूता पिंपल का पेड़ ला दिया पात को आवे बी नो ठाडियो राज हो गयो। राज ने पतड़ो करो, सब लोग सागे लागो, बूथ पर भी सीपीएम के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, कोई आम आदमी का कार्यकर्ता है, कोई आरएलपी का कार्यकर्ता है, सब लोगों को एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन के साथ रहना है। आपने मान सम्मान किया सरपंच साहब का, पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इंतजार।